नमस्कार। इस बेहद खास शो में, रफ्तार से भरे शो में, रफ्तार के रोमांच में आपका स्वागत है। भारत में ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर इन दिनों टॉप बाइकर्स ने धूम मचा रखी है। आने वाले रविवार यानी 24 सितंबर को दुनिया भर के टॉप बाइकर्स हवाई जहाज से की जो टेक ऑफ और लैंडिंग स्पीड होती है उससे ज्यादा तेज बाइक चलाएंगे और दुनिया भर में इसको लेकर रोमांच मचा हुआ है। खासकर भारत में पहली बार MotoGP आया है। Can't wait to catch up with everybody in India. Yeah, I'm looking forward to meet all the fans in India. Hoping to share with you a special moment. दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर 10 साल बाद एक बार फिर रौनक लौटी है। एक बार फिर रफ्तार का अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा है। करीब 350 किलोमीटर की रफ्तार से भागती ये बाइक्स रोमांच पैदा करती हैं, दिलों की धड़कनें तेज करती हैं। भारत में तेजी से बढ़ते सुपर बाइकर्स की नजरें यहाँ टिकी है तो उसकी कई वजहें हैं। यहाँ डुकाटी, KTM, कावासाकी, होंडा और एप्रिला जैसी दुनिया की बेहतरीन बाइक्स पर इटली के फ्रांसिस्को बग्नाइया से लेकर फ्रांस के फैबियो क्वार्टरारो जैसे धुरंधरों को देखने को फैंस बेताब हैं। मैन और मशीन की जुगलबंदी में फिलहाल यहां भारत का कोई रेसर नहीं, लेकिन भारतीय सुपर बाइकर्स के अच्छे खासे तादाद के उत्साहित होने की कई वजहें हैं। एक्साइटमेंट तो काफ़ी है, ये 10 साल के बाद है और इंडिया जो है बाइकिंग कम्युनिटी काफ़ी है, तो या सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर्स का वर्ल्ड में, और यहाँ पे एक्साइटमेंट है। सब स्टेट्स वाले हमारे कॉन्टैक्ट्स काफ़ी, मतलब रोज़ कॉन्टैक्ट करते हैं हमको, तो भाई क्या हो रहा है, कब आएँ। इस पर्टिकुलर चैम्पियनशिप MotoGP के बहुत काफ़ी स्पॉन्सर है, कुछ 200 से ज़्यादा स्पॉन्सर है कुल मिलाकर, 270। घाटे का सौदा नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं, घाटे का सौदा तो हो नहीं सकता। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट से जुड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सिलसिला भारतीय सुपर बाइक्स की दुनिया में एक क्रांति ला सकता है। 2013 वॉज द लास्ट जो Formula 1 हुआ था, उसके बाद में हमने काफ़ी इवेंट करे। टाटा ट्रक प्राइमर रेसिंग होती थी, JK रेसिंग नेशनल रेसिंग होती है, Volkswagen रेसिंग VW की भी रेसिंग चलती है यहाँ पर नेशनल्स। उसके अलावा हम लोग काफ़ी इवेंट एक्टिविटीज़ करते हैं सारे ब्रांड्स के साथ, मीडिया के साथ, प्रोडक्ट लॉन्च, EV व्हीकल्स लॉन्च, अकेडमीज चलती हैं हमारे पास। जो सुपर बाइकर्स हैं उनके लिए हम अकेडमी करते हैं। नॉट ओनली सुपर बाइकर्स, जो छोटे बाइकर्स भी होते हैं 390cc और जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सेफ एनवायरनमेंट है उन लोगों के लिए यहाँ पर सीखना, और एस्पिरेशनल भी है कि वो यहाँ पर आके बड़ी रेसिस भी कर सकें। एक्सपर्ट्स बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने की उम्मीद कर रहे हैं। दुनिया की नजरों में एकाएक चढ़ने के लिए ये एक और जानदार बात हो सकती है। जो ये ट्रैक है, ये विश्व स्तरीय ट्रैक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स इन द वर्ल्ड, और जो हमारा बैक स्ट्रेट है वो 1.06 किलोमीटर लंबा है, तो वो ऐसी लंबाई मिलना राइडर्स को एक स्ट्रेट ड्राइव बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल है, और बहुत कम ट्रैक्स हैं वर्ल्ड में जहाँ ये है। तो हमें उम्मीद है कि 366 का एक वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड है वो हो सकता है कि देखो सारा सेटअप वैसा है, अपॉर्चुनिटी ऐसा है, तो डायनेमिक्स अलग। दिस ट्रैक इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक, ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। जो अब तक मैंने ट्रैक्स देखे हैं उनमें सबसे बेहतरीन ट्रैक्स में से एक है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 370 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मिल सकती है, ये बहुत तेज है, तो इरादा है 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। We might beat the 370. That's the aim that we are having this year. एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि लंबे समय में आर्थिक, सामाजिक और खेल के मैदान में भारत में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जब ऐसी एक रेस होती है तो सिर्फ ये 3 दिन की रेस नहीं है, 3,000 दौड़ना के ऑफिशियल्स आ रहे हैं जो इस रेस को मैनेज करेंगे। उसके साथ साथ जो कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंसिलरी कंपनीज हो गई, जैसे लुब्रिकेंट कंपनी हो गई, ऑटो पार्ट्स हो गई, टायर्स हो गई, सारे ब्रांड्स को एक इम्पैक्ट मिलता है। वो एक कहावत है कि हर संडे जो रेस में बाइक जीतती है, मान लीजिए किसी एक रेस में KTM जीतती है संडे, एतवार को, सोमवार को KTM की सेल बढ़ जाती है।
तो एक ये एस्पिरेशन की बात है कि जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ये मशीन्स बनाते हैं, ये प्रोटोटाइप्स बनाते हैं रेसिंग के लिए, वो एक रेस के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग जो होती है उसको टोन डाउन करके वो मार्केट में बाइक्स बेची जाती है। बाइक और बाइकर्स की भी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। अगर आपको रफ्तार का रोमांच होता है तो अगले कुछ दिन आपको बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ बाइकिंग कम्युनिटी को बहुत उम्मीद है कि इससे भारत को बहुत ज़्यादा कई मायनों में फ़ायदा होगा। दिल्ली से कैमरामैन आजम सिद्दीकी के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया। और हम चल सकते हैं ट्रैक की दो रेसिंग क्वीन के पास, जिन्होंने अपने अपने एक बाइकर हैं, सुपर बाइकर हैं और एक फॉर्मूला स्पीड की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। दोनों हमारे साथ हैं और ऐश्वर्या हैं, ऐश्वर्या पीसे जो कि ऑफ रोड ड्राइवर हैं, और हुमायरा मुश्ताक हैं, अभी ब्रिटेन में इंडिया की नुमाइंदगी कर रही है, अकेली भारतीय महिला हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपके पास, आप ऑफ रोड बाइकिंग करती हैं, वर्ल्ड टाइटल आपके पास, पहली इंडियन है, ये जो मोटो जीपी आया है ये आपके लिए एज अ बाइकर या ओवरऑल फीमेल बाइकर, मेल बाइकर, क्योंकि यूनिसेक्सुअल स्पोर्ट है, मेल फीमेल दोनों इसमें एक साथ हिस्सा लेती हैं, कितना एक्साइटिंग है, क्या कुछ उम्मीद कर रही हैं इससे? आई थिंक मोटो जीपी भारत में आने से ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है मोटर स्पोर्ट्स के लिए। जैसे कि हम ये तो मोटर स्पोर्ट्स की ओलंपिक स्पोर्ट है, मोटो जीपी इज द ओलंपिक ऑफ मोटर स्पोर्ट्स, और इस साल हमारा एक इंडियन राइडर भी मोटो 3 में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये ओपनिंग है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए, बडिंग एस्पिरेशनल राइडर्स के लिए और बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस बनाने के लिए। और हमारे साथ लंदन से जुड़ रही हुमायरा मुश्ताक। हुमायरा, आप वैसे तो फॉर्मूला रेसिंग फोर व्हील पे करती हैं, लेकिन स्पीड की दुनिया है और ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट नहीं है, और खासकर लड़कियों का बाइक चलाना या फॉर्मूला कार चलाना जो सोसाइटी में लोगों की नजरें चढ़ जाती है, आप तो वैसे भी कश्मीर से हैं जहां पे साइकिल पे भी लोगों की कई बार नजरें चढ़ती है, कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए सफर, और कितना जो इंडियन बाइकर्स हैं या फॉर्मूला रेसर्स हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग आपको लगता है ये? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं इस वक्त लंदन से हूँ, अगर मैं इंडिया में होती तो मैं जरूर दिल्ली में होती, BIC में। ऑफ कोर्स इट्स वेरी चैलेंजिंग इफ यू आस्क मी एज एन इंडियन रेसिंग ड्राइवर। आई थिंक बहुत चैलेंजेस रहते हैं बिकॉज इस स्पोर्ट का इतना मतलब सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर नहीं है लोगों को, सो स्पॉन्सर इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर किसी भी स्पोर्ट में। आई मीन फॉर दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आई थिंक स्पॉन्सर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। So yeah, I mean, I have had my own challenges. I mean, coming up from place like from Kashmir and to this point, I'm right now in London. I'm competing at the British Endurance Racing Championship. Here, I'm the only Indian and I'm the only female driver who will be competing along with men. So yeah, of course, it's challenging, but yeah, I'm giving the best I can. So yeah, the biggest challenge is the sponsor because people don't give in to these kind of sports very easy. Like they don't. Given to the sports very easy, especially sponsoring of women. Unko lagta hai ki ladkiyon ko sponsor karna, I mean, this is a more male dominated arena, aur usme ek ladki ko lana to thoda sa wo hesitant hote hain. So I think that is like the biggest issue. Aishwarya, matlab ye to गेम के चैलेंजेस की बात हुई, जैसे 10 साल 15 साल पहले कई बार होता था कि जैसे शूटर्स जाते थे तो उनके पास बुलेट्स नहीं होता था, इक्विपमेंट नहीं होते थे, अभी ये गेम हमारा जो मोटर स्पोर्ट है वहां उस स्टेज में, लेकिन उससे भी पहले का जो चैलेंजेस, हालांकि आप को फादर से काफी ये मिला, लेकिन आपको जैसे बाकी लड़कियां जब स्टार्ट करते, क्या आप कभी बचपन में पिंक डॉल से खेला कभी, या टॉय और बाइक का साउंड ही आपको अट्रैक्ट करता था जिसकी वजह से आप आई? आज भी अगर लड़की बाइक चलाए तो चाहे किसी भी मेट्रोपॉलिटन में भी, दिल्ली हो, बैंगलोर, आप बैंगलोर से हैं, लेकिन कहीं भी लोगों की नजरें उठती हैं, आपके लिए कितना चैलेंजेस रहा यहाँ आना? मेरा ऐसा इंडिया का टू बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ इंडिया वाजंट इजी फ्रॉम प्रोबेबली मेरे फर्स्ट बाइक से लेके, मेरे फर्स्ट रेस से लेके, मेरे फर्स्ट स्पॉन्सर से लेके और मेरे फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन तक, आई थिंक बहुत ही सारे हर्डल्स थे। मोटर स्पोर्ट्स एक बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट है,
और जैसे कि आई हैव हैड लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट, जहाँ पे एक बार मैंने अपने दोनों हाथ तोड़ लिए थे, और एक बार आई हैड रप्चर्ड माय पैंक्रियास, और मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता वो एक्सीडेंट के बाद. तो चैलेंजेस एक मोटर स्पोर्ट रेसर बनने के लिए, मैं एक लड़की हूँ इसलिए डिफरेंट, आई मीन डेफिनेटली हमारे कंट्री में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मेरे रास्ते पे भी हर एक एथलीट की तरह बहुत सारे हर्डल्स थे, और मैंने उसको सब पार करके आज इंडिया की पहली वर्ल्ड चैंपियन और एक फैक्ट्री रेसिंग टीम के लिए चलाती हूँ. और ऐसा जो अभी रेस चल रहा है, ऐसे रेसेस में बाहर जाके चलाती थी, पर ऐसा रेस अभी इंडिया में एक प्लेटफॉर्म है राइडर्स के लिए कि एस्पायर कर सके और वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर सके, आई थिंक ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे मेरे जैसे राइडर्स के लिए. और आपको लगता है कि जैसे आपने जब चलाना शुरू किया, आपकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, आपके आसपास बाइक को लेकर माहौल बदला, आपको देख के आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि मैं आप अखबारों में आती रही हैं, रोल मॉडल रही कई सारे बाइकर्स के लिए, आपको लगता है आपके आसपास भी माहौल बदला, लोगों का नजरिया आपके लिए बदला, इस गेम के लिए बदला? हाँ डेफिनेटली, आई मीन जब मैंने मोटरसाइकिल राइडिंग चालू किया था, किसी ने सुना नहीं था मोटरसाइकिल रेसिंग के बारे में या मोटरसाइकिल रेसर के बारे में, पर जब मैं जीतती चली गई और सब चालू. बिल्कुल. और अगर हुमायरा आपके पास चलते हैं, हुमायरा आपको क्यों जम्मू कश्मीर से आना, आपको लगता है वहां पे आपकी वजह से बहुत सारा माहौल बदला है? जो लोग पहले सवाल उठाते थे, उन घरों में भी लड़कियां बाइकिंग या फॉर्मूला रेसिंग की ओर मुड़ रही हैं? हाँ, मुझे बहुत लोग इंटरनेट पे लिखते हैं, कभी मेरे पिक्चर्स के नीचे कमेंट करते हैं या मुझे डीएम्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि मैम वी आर रियली इंस्पायर्ड बाय यू, और लोग मिलते भी हैं. तो आई मीन यस, मुझे बहुत लोग ऐसा लिखते हैं, एंड मेरा एक बहुत ही जेनेरिक मैसेज रहता है. मैं जस्ट लोगों को रेसिंग के लिए नहीं करती हूँ, आई मीन ऑफकोर्स इट इज माई, दिस इज व्हाट आई डू, बट आई ऑलवेज लाइक गिव अ वेरी जेनेरिक मैसेज टू एवरीवन फ्रॉम एवरी एज ग्रुप. आई मीन यू कुड बी ऑफ एनी से, आप लड़की हो, लड़के, कोई भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपका पैशन है उसे फॉलो कीजिए एंड डू इट विद फुल डिटर्मिनेशन. सो मेरा तो हमेशा ये मैसेज रहता है. एंड ऑफकोर्स या आई डू गेट अ लॉट ऑफ पीपल हु टेल मी के हाँ वी आर रियली इंस्पायर्ड एंड यू नो वी लुक अप टू यू एंड वी वॉन्ट टू टेक अप दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट. सो या. और लवली, एक हमारे साथ अभी अलीशा अब्दुल्ला जोड़ी है, बहुत मुश्किल से इनका नंबर मिला. अलीशा टेक्निकली जुड़ने वाले. अलीशा पहले तो स्वागत है, और इंडिया की फास्टेस्ट फीमेल रेसिंग चैंपियन होने के नाते हम लोग यही बात कर रहे थे कि क्या इस जो मोटो जीपी आया है उससे कितना इम्पैक्ट आएगा, और क्या एक जो फैन फॉलोइंग है लड़कियों की, अगर 10 साल पहले देखें और अभी, तो 10% लड़कियां ज्यादा चलाने लगी है, करीब पहले 10% होती थी, अब 20 इंडिया की बात कर रहे हैं. तो आपको लगता है कि इस तरह के इवेंट के, इस तरह के एक्सपोजर की और बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि भारत में इसका बहुत सारे फायदे हैं, न सिर्फ कि रेस में स्पोर्ट्स में आएगा, इकोनॉमिक फायदा है, कल्चरल फायदा है, सोशल चेंज हो रहा है. आई थिंक मोटो जीपी कमिंग टू इंडिया ये बहुत बहुत बड़ा, इट्स अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम मोटो जीपी इज कमिंग टू इंडिया. बट यस, वी शुड बी इवन मोर प्राउडर बिकॉज वी हैव वन इंडियन पार्टिसिपेटिंग इन द मोटो 3, सो दैट इज समथिंग विच एज अ फेदर टू द इंडियन कैप. बट आई थिंक this will open gateways to a lot of Indian racers to come into the sport, bike racing, because bike racing is a very, very niche sport and it is very expensive. So I think the government should also take an initiative to support the sport and also sponsor young, talented racers. हमारे पास वक्त की कमी है अलीशा, हुमायरा, ऐश्वर्या, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के आने से और हम आगे भी बात करते रहेंगे कि क्या इस तरह का कई सारे, क्योंकि अब लगता है मोटो जीपी पर अगर बातचीत हो रही है नेशनल टेलीविजन पे, तो ये भी एक तरह का बदलाव है, इस स्पोर्ट की ओर लोगों की नजरें जा रही हैं.